राजधानी भोपाल के बैरसिया में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। नगर पालिका की वाटर फिल्टर प्लांट का काम देख रही कंपनी का इंजीनियर फिल्टर प्लांट से एक ट्रक भरकर स्क्रैप चुरा कर ले जाते पकड़ाया गया। दरअसल नीलगिरी बिल्डर्स कंपनी को वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना और मेंटेनेंस का काम मिला था। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इंजीनियर शशिकांत पवार प्लांट से एक ट्रक भरकर स्क्रैप चुरा कर ले जाने लगा। नगर पालिका के सीएमओ को जानकारी लगने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कंपनी के इंजीनियर पर चोरी का मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है। शशिकांत पवार का तो मेरे नॉलेज में 8 साल पहले भी इन पर विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की थी और जो करोड़ों की योजना भारत प्लांट की, इनको पुनः वहाँ पे किस अधिकारी या किस व्यक्ति ने इसको रखवाया है। आज तो 2.5 लाख का माल यहाँ पे जब्त की गए, इससे पहले भी कई लाखों रुपये करोड़ों रुपये का ये करप्शन कर चुके होंगे, चोरियाँ कर चुके होंगे। तो मैं चाहता हूँ उसकी उससे भी जाँच होकर एक समिति बन जाए, सरकार या हमारे प्रशासन समिति बनाए जिसकी पूर्णता जांच हो और जांच में जो भी दोषी हो उस पर भी कार्रवाई हो और अभी तत्काल इनको गिरफ्तार करके इनको रिमांड पे लेना चाहिए ताकि पूर्व में और भी करोड़ों के घोटाले किए होंगे। सामान जो है स्क्रैप जो पड़ा हुआ था वो एक गाड़ी में भर करके ले आ जाना था और उस गाड़ी को उन्होंने सीमो साहब ने उनकी टीम ने पकड़ा और वो थाने लेकर के आए। उन्होंने बताया कि जो है ये सामान जो है नगर पालिका का और चोरी से जो है नीलगिरी कंपनी के का कर्मचारी पवार जो है इसको लेकर के चोरी करके जा रहा था, उस पर से जो है चोरी का मुकदमा कायम किया गया है और मामले को जांच में लिया। जांच की जा रही है कि किसके द्वारा किया गया था, कहाँ ले जाया जा रहा था और ये सामान किसका है। अच्छा, लगभग कितने कीमत का होगा ये सामान? प्रारंभिक रूप से जांच में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का स्क्रैप है और जिसकी वैल्यू और उससे कराई जाएगी